सिर्फ इतना सा सोच लो माइंड में कि ये लड़का है और इसने लड़की के साथ शादी की है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आपको दो लड़कियों की शादी डाइजेस्ट नहीं हो रही मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं किसी मेल के साथ एज ए ब्राइड खड़ी हूँ मुझे लेसबियन वर्ड क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता था वहाँ से पता चला था कि मुझे लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है मेरी पार्टनर है वो मुझे चीट कर रही है वहाँ पर मैं क्लियर तो नहीं बताऊंगी, बट आप आ, समझ जाओ चार से पाँच महीने डिप्रेशन में थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो रिलेशनशिप ऐसा था जिसने मुझे पूरे तरीके से तोड़ के रख दिया था नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पायल बत्रा और मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ अभी फ़िलहाल मैं मुंबई में रह रही हूँ और मेरी एज थर्टी है और मैं एक लड़की हूँ अब मैं एक लड़की हूँ ये बात मैंने क्यों बोली है क्योंकि मेरे लुक को देख के बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो मेरा गेटअप है वो तो एक लड़कों वाला है लेकिन मैं एक लड़की हूँ फोर्थ क्लास तक मेरे जो बाल थे वो बहुत बड़े बड़े थे मतलब फ़ोर्थ क्लास तक मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी मुझे चोटी बना के स्कूल भेजती थी और उनको ऑफिस भी जाना होता था तो सुबह उनको बहुत ज़्यादा लेट होता था कि मतलब मेरे को चोटी भी बनानी है और मुझे ऑफ़िस भी जाना है एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही मम्मी के माइंड में आया कि मैं इसके बाल लेट भी नहीं होगा और इसका भी मतलब मन नहीं है मतलब लंबे रखने का, ये भी परेशान नहीं होगी तो आई थिंक में मदर ने मेरी और वहाँ से ही मेरे मतलब फिफ्थ क्लास में बॉय कट कराए थे उसके बाद से मेरे बाल कभी नहीं बढ़े एट्थ क्लास में मैं अगर कहूँ तो मैं एक अकेली लड़की थी अपनी क्लास में और बाकी सारे लड़के थे एक बहुत ही छोटा सा स्कूल था जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की थी तो जब एट्थ क्लास में बाकी सारे लड़के थे मैं अकेले लड़की थी तो आ, मेरे को थोड़ा शुरू शुरू में अजीब लगता था कि यार मतलब आ, आ, कि बाकी कोई लड़की नहीं है किसी से मैं बात नहीं कर सकती और मेरे को बहुत अजीब फील होता था अंदर से लेकिन एक तरफ मुझे यह भी फील होता था कि मेरे को कंफर्टेबल भी लड़कों के साथ ही होता था मतलब मेरे को दोस्त बनाने भी लड़कों लड़कों वाले ही गेम्स मुझे पसंद थे मैंने कभी बचपन में ये गुड्डे गुडियों वाला खेल या घर घर जो बचपन में लोग खेलते हैं वो मैंने कभी भी नहीं खेला मेरा शुरू से ही बैट बॉल फुटबॉल इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था तो उसके बाद जब मैं अकेली लड़की थी उस क्लास में तो मेरे जो सारे दोस्त थे वो सारे ही लड़के थे और बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे सारे के सारे और उस टाइम पे एट्थ क्लास में जब आ, मेरे क्लास के जो लड़के थे उन्होंने आ, कोचिंग जाना स्टार्ट किया था तो वो लोग आपस में बात मेरा मेरे साथ तो कोई था नहीं बात करने के लिए और जो लड़कों वाली जो बातें होती है वो आपस में लड़के ही करते थे तो जब वो आपस में बात करते थे तो वो आ, लड़कियों के जो उनकी कोचिंग पर जो लड़कियाँ आती थी उनके बारे में बात करते थे कि यार वो मतलब आ, ऐसे आती है वो ऐसे इतनी सुंदर है ये करके तो मतलब आप ये सोचो कि जब मैं वो बातें सुनती थी क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैं अकेली हूँ तो मुझे तो बिल्कुल साइड तो नहीं करेंगे और छोटा सा ही स्कूल था तो वहीं पर सारा कुछ मतलब बैठना एक ही क्लास में होता था तो मैं उनकी जब बातें सुनती थी तो मुझे है ना वहाँ से लड़कियों में मतलब मैं मैं, मैं खुद कंफ्यूज थी उस टाइम पे कि मुझे वो इंटरेस्ट क्यों आ रहा है उन बातों में मतलब अगर कोई एक लड़का एक लड़की के बारे में बात कर रहा है तो मुझे क्यों इंटरेस्ट आ रहा है मतलब मुझे क्यों अच्छा लग रहा है वो सुन के कि यार वो लड़की इतनी सुंदर है उस लड़की के बाल ऐसे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई उस टाइम पे मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं या फिर ये मतलब ये सब क्यों हो रहा है मेरे को नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही टाइम निकलता गया निकलता गया तो जिस पर्टिकुलर लड़की के बारे में वो बात करते थे तो मुझे उसके लिए मतलब आप ये सोचो कि मैंने उसे अभी देखा भी नहीं था और मुझे उसके लिए फ़ीलिंग्स डेवलप होने लगी कि मैं भी जाके उससे बात करूँ और मैं भी उससे मतलब देखूँ कि वो कैसी दिखती है तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें चलती गई तो एटथ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ ये सारी चीज़ें मतलब मेरी क्लासेस चलती रही चलती रही अब जब मैंने टेंथ पास आउट किया तो हमारे स्कूल चेंज हो गए और एलेवंथ में मैंने एक कोइड स्कूल में अपना एडमिशन कराया और वहाँ पे वो काफ़ी बड़ा स्कूल था और वहाँ पे एक लड़की के लिए मेरा जो अट्रैक्शन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था जिसे आप बोल सकते हो वन साइड लव तो वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था और मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी मतलब अगर आप सही मायने में मानो तो मुझे वहाँ से पता चला था कि मुझे लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है जब मुझे एट्थ क्लास में मैंने जैसे आपको बताया है कि मुझे एक लड़की की तरफ अट्रैक्शन जा रहा था तो जब मैंने वो चीज़ें खुद के दिमाग में सोची कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है क्योंकि उस टाइम पे एल के बारे में कोई भी नहीं जानता था इवन मुझे लेसबियन वर्ड क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता था तो जब मैंने वो चीज़ें अपने अंदर फील करना शुरू की तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके बारे में किससे पूछूँ क्योंकि किसी को भी उसके बारे में नॉलेज नहीं थी और प्लस मैंने आपको बताया कि मैं अकेली लड़की थी तो एक फीलिंग आ रही है वो चीज़ कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है लेकिन मैं वो चीज़ शेयर नहीं कर पा रही हूँ किसी को भी इवन ना फैमिली को ना फ्रेंड्स को किसी को भी मैं वो चीज़ शेयर नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिससे मैं पूछूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है मुझे अगर कोई लड़का अप्रोच भी करता था मतलब नॉर्मल अगर बात कर रहे हैं अगर दोस्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर सामने से ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि वो मुझे अप्रोच कर रहा है या उसकी फीलिंग्स मेरे लिए कुछ अलग हैं तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब बहुत गुस्सा आता था कि ये क्यों यार ऐसे कर रहा है दोस्त बन के भी तो रह सकते हैं तो बहुत अजीब सी चीज़ें होती थी लेकिन वहीं अगर लड़की मुझसे हंस के भी बात कर ले तो मुझे बहुत अच्छा लगता था तो ये सारी चीज़ें चली इलेवेंथ और ट्वेल्थ तक मेरा ऐसा चला कि वो वन साइडेड था और बहुत ही बहुत ही ज़्यादा वाला वन साइडेड था मतलब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी उसके लिए मतलब मेरे मेरा ऐसा होता था कि स्कूल से स्कूल के लिए पहले उसको घर से लेके आना फिर स्कूल में दोनों मतलब साथ में ही रहना फिर स्कूल से वापस घर छोड़ के आना फिर शाम को अगर ट्यूशन जा रहे हैं तो सेम वही रूटीन चलता रहता था चलता रहता था तो ये सारी चीज़ें हुई बट सामने वाली जो बंदी थी वो स्ट्रेट थी तो उसका कुछ ऐसा इंटरेस्ट था नहीं वो एज ऐसी थी कि उसमें आप कुछ भी चीज मतलब परमानेंट नहीं हो सकती बहुत छोट छोटी सी एज थी एलेवन ट्वेल्थ में कितने ही साल का होता है बच्चा तो ये सारी चीज़ें चलती रही फिर उसके बाद 11 ट्वेल्थ मैंने अपना स्कूलिंग ख़त्म किया उसके बाद कॉलेज आया कॉलेज जो था मेरा वो पूरा का पूरा गर्ल्स कॉलेज था तो वहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियाँ आईं और उनसे भी मतलब सेम ऐसी चीज़ें अट्रैक्शन होने लगा और बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं मेरी कॉलेज टाइम पे भी और बाहर भी बहुत सारी कॉलेज के अंदर भी बहुत सारी कई बार ऐसा होता था कि एक लड़की का मैं हाथ पकड़ के साथ में चल रही हूँ और सामने से दूसरी आ रही है तो वो मतलब ऐसी फीलिंग मतलब नर्वसनेस भी होती थी कि यार ये क्या हो गया सामने वाले ने देख लिया अब क्या होगा उसके बाद मेरे को ना उस टाइम पे मुझे पता चला कि एक एल जी बी टी क्यू कम्यूनिटी होती है जिसमें लेसबियन गे बायोसक्शल ऐसा ऐसा होता है और लेसबियन वर्ड मुझे फ़र्स्ट टाइम मेरे कॉलेज में आने के बाद ही पता चला था कि जो जिनको लड़कियों लड़कियों में मतलब अगर दो लड़कियाँ आपस में रिलेशनशिप में हैं तो उन्हें लेसबियन कहा जाता है या दो लड़के हैं तो उनको गे कहा जाता है हमें उस टाइम पर सिर्फ एक वर्ड पता था गे अब मैं ये नहीं पता था कि जो लड़के लड़के होती हैं उनको लेस्बियन बोलते हैं या जो लड़के लड़के होते हैं उनको गे बोलते हैं इस तरह से इस तरह से कुछ भी नहीं पता था तो वो मुझे कॉलेज में आके ही पता चला एक छोटे से शहर में अगर आप ऐसी फीलिंग रख रहे हो कि आपको लड़कियाँ पसंद है जिसके बारे में लोग नहीं जानते अवेयर ही नहीं है लोगों मतलब अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के अंदर और वहाँ पे पार्टनर ढूंढना क्योंकि आ, अकेले क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि आपको कोई ना कोई आपके साथ चाहिए आपका पार्टनर आपके साथ चाहिए आपको तो मैं उस टाइम पे सर्च कर रही थी कि मैं देखूं कि मुझे कोई ना कोई अपने साथ चाहिए तो मैंने क्या किया कि मैं डेटिंग्स ऐप पे जो होती है मैं वहाँ पे जाने लगी वहीं से मुझे एक लड़की पसंद आई और उससे मेरी बातचीत शुरू हुई और लकीली मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जितनी भी लड़कियाँ मेरी लाइफ में थी वो सारी की सारी स्ट्रेट थी उनमें से कोई भी लड़की लेस्बियन नहीं थी या बाइसेक्शुअल नहीं थी वो सारी की सारी स्ट्रेट थी फिर भी मैं उनके साथ रिलेशनशिप में थी तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि आ, हर एक इंसान अपनी लाइफ में ना एक्सप्लोर कर रहा होता है जरूरी नहीं है कि वो लेस्बियन हो या बाइसेक्शुअल हो हर एक इंसान जितना मैंने नोटिस किया है पहले तो धीरे धीरे व्हाट्सएप पर चैट होने लगी फिर उसके बाद आ, मतलब ऐसा हो गया कि दिन रात फ़ोन पर ही लगे रहना और वो एज में मुझसे बहुत छोटी थी मतलब फ़ोर टू फाइव ईयर का गैप था हमारे बीच में और ऐसा था कि सेम वही चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा केयर उस टाइम पे दिखाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मतलब मुझे केयर करना बहुत अच्छा लगता था सामने वाले की तो मैंने उसका उसी तरह से मतलब ध्यान रखा बिल्कुल बच्चे की तरह और सारी चीज़ें वैसे ही की तो उसमें ऐसा हुआ कि हमें मुझे ऐसा फील आने लगा कि मुझे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहना है और मुझे साथ में रहना है जहाँ पे वो रहती थी तो मैंने फ़ाइनली डिसीज़न लिया कि मैं वहाँ पर जाके अब हम लोग साथ में रहेंगे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहेंगे तो फाइनली हम लोग मैं वहाँ पर मैंने अपना पूरा ट्रांसफ़र ले लिया था उधर और वहाँ पर रह कर मैं जॉब करने लगी हम लोग साथ में रहने लगे और फिर धीरे धीरे करके हम लोग एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगे दोनों ही साथ में बाद में तो जब धीरे धीरे जॉब करने लगे करने लगे तो ऐसे जो मैंने आपको बताया कि हमारे हम एक ग्रुप के थ्रू मिले थे मतलब डेटिंग एप्स के बाद जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना था तो वो ज़्यादातर जो लोग थे वो सेम ही प्लेस से थे मैं सिर्फ अलग उससे स्टेट से थी बाकी सारे वो जो ग्रुप के थे वो सेम प्लेस से थे तो हमने मिलना स्टार्ट किया और काफ़ी हम लोग मस्ती करते थे और बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि जब आप एक अपनी कम्युनिटी से मिलते हो ना तो आपको एकदम एकदम फैमिली वाली फीलिंग आती है तो हमारे साथ भी सेम वही चीज़ें हो रही थी हम लोग बहुत मस्ती करते थे घूमने जाते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी तो वहाँ पर क्या हुआ एक दिन एक दिन हम लोग कहीं घूमने गए हुए थे एंड हम लोग सोए हुए थे वहाँ पे साथ में तो मुझे मतलब कुछ चीज़ें फ़ील हुई कि uh, मतलब जो मेरी पार्टनर है वो मुझे चीट कर रही है वहाँ पे मैं क्लियर तो नहीं बताऊँगी बट आप uh, समझ जाओ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि फ़ील क्या हुआ मतलब वो सच था कि वो मुझे चीट कर रही है और ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब मैं किसी इंसान के लिए अपना सारा कुछ छोड़ के अगर उसके पास आई हूँ और वो मुझे चीट कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा तो उस टाइम पे तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा मैंने उसे उस टाइम पे उसकी फ़र्स्ट और लास्ट गलती समझ के माफ़ कर दिया कि चलो ठीक है ये आपका फर्स्ट था Uh, कोई बात नहीं लेकिन आगे से ऐसी चीज़ें ना हो तो मैंने उसको फ़र्स्ट टाइम uh, माफ़ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं जैसे ही हम uh, हम लोग लुधियाना आए तो लुधियाना आने के बाद उसकी चीज़ें थोड़ी सी बदलने लगी उसको अचानक से फ़ैमिली याद आ गई उसको अचानक से अपने अपनी सिटी याद आ गई कि मुझे वापस जाना है मुझे यहाँ पे नहीं रहना है और ये सारी चीज़ें हुई तो uh, बाद में मुझे मुझे ऐसा था कि ठीक है मतलब मेरे को उस टाइम पर पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा फील होने लगा था कि नहीं यार अभी ये लास्ट है और मुझे इसके इसका साथ नहीं छोड़ना मुझे इसके साथ ही रहना है तो उस टाइम में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कर्मा इज़ ए बिच जिसका मैंने यहाँ पे टैटू भी बनवाया हुआ है कि अगर आप आपके साथ सेम चीज़ जब होती है ना तो आप फ़ील कर पाते हो कि कि आप सामने वाला कैसा महसूस करता है जब आप वो चीज़ें उसके साथ करते हो जो मेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रही थी अब मेरे को नहीं पता मेरी फीलिंग्स तो सबके लिए सेम थी लेकिन वो होता है ना कि एक के एक रखा हुआ एक गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ दूसरी भी गर्लफ्रेंड है तो वो उस वाली को तो बुरा लगेगा ही नहीं लगेगा तो जब वो मुझ मेरे साथ जो चीट चीटिंग हो रही थी तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी जब हम लोग लुधियाना आ गए थे तो उसने दोबारा से वही सेम चीज़ की मतलब फ़ोन कॉल्स होते थे दूसरे के साथ और वो सारी चीज़ें होती थी तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हुआ और वो चली गई थी अपने शहर वापस और मैं लगभग आप ये लगा लो कि चार से पाँच महीने डिप्रेशन में थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अगर उस टाइम पे घर का काम भी हम हम लोगों ने नया नया घर बनाया था लुधियाना के अंदर तो हम लोगों ने मेड नहीं लगवाई थी और घर का काम हम लोग खुद ही करते थे भाई बहन मिलके तो जब मैं अगर ऐसा हो गया था मेरे साथ कि अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ और एक ही जगह से लगा रही हूँ मुझे पता ही नहीं चलता था कि हो क्या रहा है मेरे साथ इतना डिप्रेशन मुझे आ गया था उस टाइम पे उस टाइम पे एक ऐप आई थी म्यूज़िकली टिकट म्यूज़िकली तो वहाँ पे मैंने मतलब वो मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया अच्छा खासा रेस्पॉन्स आने लगा वहाँ से मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स वहाँ पर हो गए थे और उसी बीच में मुझे फिर एक दिन एक लड़की का मैसेज आया कि ऐसा ऐसा है और मुझे आपके वीडियोज़ बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे को आपसे बात करनी है तो मैंने नॉर्मली बात कर ली मेरे को ऐसा नहीं था कि रिलेशनशिप में आना है ऐसा कुछ तो मैंने नॉर्मली बात कर ली वहाँ पे तो वहाँ पे जब मैंने बात की तो धीरे धीरे बातें होने लगी सामने वाली बंदी ने मुझे अप्रोच किया और मैंने नींदों नींदों में उसको बोल दिया ओके मतलब हाँ ठीक है ऐसा करके तो वो चीज़ें वहाँ से फिर स्टार्ट हुई और वो मैं आपको बता दूँ वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी वो रिलेशनशिप ऐसा था जिसने मुझे पूरे तरीके से तोड़ के रख दिया था मतलब जहाँ पे एक छोटी सी उम्मीद थी कि नहीं अभी मैं प्यार कर सकती हूँ वहाँ पे वो उसने वो चीज़ें सारी ख़त्म कर दी थी उसने मुझे फिजिकली मेंटली हर तरीके से टॉर्चर किया था इवन अगर मैं बात करूँ कि हाथ पैर भी उठाने वाली बात हो गई थी वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें हुई और मेरे को मतलब एक महीने तक मैंने अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद किया था उसकी भी एक अलग कहानी है वो मेरे घर तक पहुंच गई थी बहुत सारी चीज़ें हुई और मतलब बिल्कुल मैं ऐसे टूट चुकी थी कि मेरे को ऐसा लगता था कि अब मुझे मेरे जो घर वाले बोलते थे ना कि मतलब घर वाले बहुत बोलते थे कि शादी कर ले रिश्ते भी आते थे लेकिन मैं सिर्फ यही बोलते थे कि मुझे शादी नहीं कर दी है ना मैंने उन्हें कभी बोला कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है ऐसा कुछ है बट मैं यही बोलती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि इसका इंटरेस्ट लड़कियों में है लेकिन फिर भी वो बोलते रहते थे कि बोलते रहते थे कि तू शादी कर ले कर ले तो मेरे को उस टाइम पर लिटरली ऐसा हुआ था कि मैं घर वालों की बात मान लूँ और मैं शादी कर लूँ और एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ एक लड़का ऐसा भी आया जिसने बोला कि ठीक है मैं इसको इसी लुक में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ अब वो चीज़ें मैंने फ़्लो फ्लो में बोल तो दी लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर से पता था कि वो मैं अपनी लाइफ के साथ कितना गलत डिसीज़न लेने जा रही हूँ तो ये सारी चीज़ें चलती रही फिर भी मैं टालती रही टालती रही दोबारा से मैंने अपना यू नो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे दोबारा से अपनी चीज़ें स्टार्ट की दोबारा से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा तो मैं बार बार यही सोचती थी कि यार अगर सिंगल लाइफ मेरी ज़्यादा अच्छी है तो क्यों ना मैं सिंगल लाइफ ही जी तो उसके बाद सेम चीज़ मेरे साथ दोबारा हुई 2018 में मेरे साथ सेम चीज़ हुई यहाँ पे एंट्री होती है दोबारा से एक लड़की की जिसने मुझे टिकटॉक के थ्रू मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज डाला कि मुझे आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है और उस लड़की का नाम है यशविका दत्त और उस लड़की के आने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई पिछले तिहत्तर सालों से हमारा संविधान हमें कई नई ऊंचाइयां छूने की आजादी देते आ रहा है 2021 में किए हुए एक सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता के तीन प्रतिशत लोग खुद को होमोसेक्सुअल यानी गे या लेस्बियन मानते हैं भारत की सर्वोच्च अदालत 13 मार्च 2023 को समान लिंग विवाह को वैध बनाने के बारे में दलीलें सुनेगी जो हमारे एक दशमलव चार बिलियन लोगों के देश के लिए और एल जी बी टी क्यू आई कम्युनिटी के लिए वैश्विक स्तर पर एक मील का पत्थर है इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं किसी मेल के साथ एज अ ब्राइड खड़ी हूँ वो मेरे को ये था कि नहीं साथ में एक लड़की है लेकिन टॉम लुक में अगर मैं आज भी याद करूँ तो एक लड़की आई जहाँ से मुझे अपने बारे में ये पता चला कि मुझे लड़कियाँ पसंद है मैं रिलेशन को लेकर तो चल रही हूँ लेकिन मैं ऐसा चल रही हूँ कि मैं अपना करियर ही खो रही